हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इस वजह से मैंने पूरा सेटअप नहीं लगाया, बल्कि मैं इस तरह का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इस वीडियो में ज़रा भी दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना। खैर, अब हम लोग बात करेंगे द अनहोली, जो कि मूवी मुझे सजेस्ट किए मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका यूट्यूब आईडी नेम है द हाइब्रिड टीवी। तो यार थैंक यू सो मच भाई। खैर बात करें इस मूवी की, तो ओवरऑल लेंथ 1 आवर 39 मिनट की, और ये आपको सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिलती है, और ये एक हॉरर मूवी है। मूवी के प्लॉट स्टार्ट होता है 1845 से, जहाँ पर हमें कुछ लोग और एक प्रिस्ट नज़र आते हैं, जो कि एक लेडी को जिंदा जला रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद वो लोग उस लेडी की आत्मा को एक डॉल में कैद कर लेते हैं। खैर अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हमें एक रिपोर्टर नज़र आता है, जो कि छोटी मोटी रिपोर्ट को कवर करता है, और उसके बदले उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब एलिस, जो कि सुन नहीं पाती ना ही बोल पाती, वो सडनली सुनने भी लगती है और बोलने भी लगती है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई में होली मदर मैरी सारी चीज़ों के पीछे है या कोई और? ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर मूवी देखनी पड़ेगी। खैर मूवी को लेकर तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, कई महीनों बाद मैं इस तरह की हॉरर मूवी देखा जो स्टार्ट से लेकर एंड तक मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और उस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो अपने आप में काफ़ी यूनिक है, और बहुत सारे जो हमारे कैथलिक धर्म के लोग या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग मदर मैरी को मानते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये मूवी में थोड़ा बहुत अटपटा लगेगा। लेकिन अगर आप लोग समझदारी से समझोगे और मूवी को जानने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा यार ये मूवी के थ्रू हमें काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें समझाने की कोशिश की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यस, मूवी मेकर्स को इस तरह की मूवीज नहीं बनाना चाहिए जहाँ पर किसी की आस्था जुड़ी हो, जहाँ पर लोगों को हर्ट फील हो, तो ये सारी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल ये मूवी पर्सनली मुझे अच्छी लगी। खैर अगर कहानी की बात करूँ तो यस प्रिडिक्टेबल है, लेकिन जिस तरह से एग्जीक्यूट किया वो मज़ा आता है। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करूँ तो इतने कैरेक्टर्स हैं नहीं, लेकिन जितने भी उनको बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो हर एक सीन को बहुत ही अच्छी तरह से शूट किया, लेकिन जो VFX है वो बहुत ही कमाल है। वो अनएक्सपेक्टेड VFX मुझे यहाँ पर देखने को मिले, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, जंप स्केयर सीन की बात करूँ, क्योंकि हॉरर मूवी हो, जंप स्केयर सीन्स की बात ना करें तो ऐसा हो सकता है क्या? तो यस, इसमें आपको जंप स्केयर सीन देखने को मिलते हैं ऐसे जिससे मैं खुद एटलीस्ट डर गया, तो आप सोचो आप लोग भी डर सकते हो। मूवी की BGM की बात को तो कड़क है, जिस तरीके की हॉरर मूवी में एक BGM होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही BGM आपको यहाँ पर सुनने को मिलता है। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा एक्टर्स देखने को नहीं मिले, लेकिन जितने भी हैं उन लोगों ने अपने हिस्से के रोल को अच्छी तरह से निभाया। मूवी ज़्यादा लंबी है नहीं, सिर्फ 1.5 घंटे में मूवी ख़त्म हो जाती है, और मज़ा आ गया, मुझे एटलीस्ट मज़ा आया। मैं पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना बोलूँगा कि यस, ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हो, बशर्ते आपके घर में सिर्फ और सिर्फ एडल्ट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग इस तरीके की हॉरर मूवी को देख के थोड़ा बहुत डर जाते हैं। और मैं इसको रेटिंग दूंगा 7 out of 10, डेफिनेटली इट्स अ वॉचेबल मूवी। बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो मैं आपको यहाँ पर बताया था, बाकी आप लोग खुद बेटर जज हो यार, मैं कौन होता बताने वाला। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।